हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आवर टुडेज टॉपिक इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अ सोशल साइंस एज वी हैव सीन दिस एज इन आवर प्रीवियस वीडियोज। Now we will try to understand its relationship with other social sciences. First one is political science, second one is economics, third one is history. In this video we will try to understand relationship of public administration with these three social sciences. In the next video we will try to understand the relationship of public administration with other social sciences like sociology, psychology. So we start our topic. An author named Sizwick. This is an author who said, to acquire a complete knowledge of a subject, knowledge of a subject, we should have to understand its relationship with the other subjects. सिज़विक ने बोला कि अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो हमें कुछ अदर सब्जेक्ट्स के साथ इसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। एंड हम जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशनशिप अदर सोशल साइंसेस के साथ देखते हैं तो सिज़विक ने बोला कि हमें क्या देखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको क्या लैंड किया। मीन्स पॉल साइंस ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कौन से कॉन्सेप्ट सीखे हैं एंड क्या टेक किया, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉल साइंस से क्या सीखा। ऐसी हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इकोनॉमिक्स के साथ गिव एंड टेक का रिलेशनशिप देखना है एंड हिस्ट्री के साथ अभी गिव एंड टेक का रिलेशनशिप देखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप ऑफ अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद पोल साइंस। पोल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेशनशिप जो इनकी स्टार्टिंग हुई 1920s, उससे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। पोल साइंस मेजर सब्जेक्ट रहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पहले। तो 1920s में ये ट्राई किया गया कि पोल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेशनशिप जो दिया गया वो मदर डॉटर का रिलेशन दिया गया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पोल साइंस का जो रिलेशन है वो एक मदर एंड डॉटर का रिलेशन है। इसके अलावा क्या बोला गया कि ये सिस्टर सोशल साइंसेस हैं, यानी कि दोनों का जो स्टेटस है वो इक्वल है। ये कुछ ऑथर्स ने माना सिस्टर सोशल साइंसेस। एंड ये बोला गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पोल साइंस का एक पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो डेवलप करके एक अपना सब्जेक्ट बना जिसने पोल साइंस को बहुत कुछ दिया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सोशल साइंस के साथ रिलेशनशिप है वो स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस।
गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना होता है, एंड गवर्नमेंट जो डिपेंडेंट है वो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए हमें पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिलेशनशिप है वो देखना पड़ा। पोल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को टू साइड्स ऑफ अ कॉइन बोला गया कि पोल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। उसके एक साइड पे पॉलिटिक्स, उसके दूसरी साइड पे एडमिनिस्ट्रेशन है। पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी डिजाइनिंग पार्ट है गवर्नमेंट का, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट का एक्शन पार्ट है, गवर्नमेंट इन एक्शन। कि गवर्नमेंट को पहले पॉलिसीज डिज़ाइन करनी होती हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। तो एक ऑथर थे लेस्ली लिप्सन, उन्होंने क्या बोला कि गवर्नमेंट जब भी वर्किंग में होती है तो डिफरेंट फेजेस से पास आउट करती है। डिफरेंट फेजेस कौन से हैं? डिफरेंट फेजेस में सबसे पहले अगर मान के चलो तो सपोज करो गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन करना होता है, रूल्स रेगुलेशंस लॉस मेक करने हैं, बनाने हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन करना है, मॉनिटरिंग करनी है, फीडबैक वगैरह लेना है, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने हैं। उसके जो ये फेजेस हैं, लेजिस्लेशन का जो फेज़ है वो पॉलिटिक्स का पार्ट रहता है, इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट रहता है। लेकिन हम ऐसे कंप्लीट डिस्टिंक्शंस नहीं कर सकते कि जब वो लेजिस्लेशन कर रही है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। एक लेजिस्लेशन करने के लिए, एक कानून बनाने के लिए उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन होता ही होता है, और जब एडमिनिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट करोगे तो उसके पीछे पॉलिटिक्स भी रोल प्ले करती है। वो हम देखेंगे अभी एग्जांपल्स में कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे रोल प्ले करती है। सो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बिना पॉलिटिक्स पढ़े समझ नहीं सकते, बिकॉज जो डिफरेंट फेजेस होते हैं गवर्नमेंट के वो इंटरलिंक हैं। पॉलिटिकल फेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेज जो है गवर्नमेंट का वो इंटर लिंक है। सो पॉलिसी साइंस अगर बात करूं, उसमें पॉलिसी मेकिंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन आता है, ये एक मेजर एरिया बन चुका अभी स्टडी का, जिसके लिए हमें दोनों चीज़ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पता रहना चाहिए। एक ऑथर थे जॉन एम गॉस, उन्होंने तो ये तक बोला कि उनके टाइम में पॉलिटिक्स थ्योरी और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दोनों को साथ साथ स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आप एक कंप्लीट थ्योरी को समझ सकते हो। मीन वो बोल रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इज़ अ पॉलिटिकल थ्योरी, वो उनका मानना था। नाउ लेट्स वी सी सम एग्जांपल्स कि पोल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन लिंक्ड क्यों हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो हमें पॉलिटिक्स पता रहनी क्यों जरूरी। सपोज करो हम यूएसए एंड इंडिया की एग्जांपल लेते हैं। यूएसए की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो है प्रेसिडेंशियल, इंडिया का जो है वो है पार्लियामेंट्री। जिन बच्चों ने पॉल साइंस पढ़ी है उनको बेटर पता होगा कि प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री क्या हो।
प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो कैबिनेट के पास होती है, लेकिन वो पार्लियामेंट में से निकलती है मेजॉरिटी गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर एक मिनिस्टर जो है वो इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन पीएम अगर रिज़ाइन कर जाए तो पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो डिसॉल्व हो जाती है और जो पार्लियामेंट है वो क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है और उसका वहाँ के हाउसेस जो होते हैं, हाउसेस ऑफ कॉमन्स, उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता, इनकी इलेक्शंस अलग होती हैं। तो अगर पॉलिटिक्स समझे बिना कोई डिसीज़न यहाँ का पीएम लेना चाहता है तो यानी कि उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स चाहिए पहले, ठीक है, उसको अपनी एग्जीक्यूटिव कैबिनेट से पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो खुद के डिसीजन ले सकता है जो बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स को अप्रूव करने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो अप्रूव ना हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स को समझे बिना आप एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं पाओगे। सेकेंड थिंग, यहाँ की जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं इंडिया में उनको न्यूट्रल रहना पड़ता है, यहाँ पे वो पॉलिटिक्स का पार्ट बन सकती है। मींस अगर कोई सिविल सर्वेंट है गवर्नमेंट के सर्विस में तो किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फेवर में बात नहीं कर सकता, उसको न्यूट्रल रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर कर सकते हैं। तो पॉलिटिक्स ही आपको बताती है कि एडमिनिस्ट्रेशन रन कैसे करेगा। अभी हम एक नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस पर्सोनल्स को पावर्स मिली हुई हैं, लेकिन वो अपनी पावर का बेटर यूज़ नहीं कर पाते, इफ़ेक्टिव नहीं है। रीज़न क्या है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनके बॉस होते हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं उनको वैसे काम करना पड़ता है और सभी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस को बाईपास कर जाते हैं। तो किसी भी कंट्री में जो एडमिनिस्ट्रेशन है एक पर्टिकुलर एरिया का, एक फील्ड का, वो कैसे रन करेगा, यहाँ के पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी पॉलिटिक्स कैसी है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस रिलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी Try to understand about the economics. What is economics? Economics is all about the money, taxes, revenue, inflation, profit, fiscal policies, business, मॉनेटरी पॉलिसीज, फिनांस, बजट। तो इकोनॉमिक्स जो है इन सभी चीज़ों से डील करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स के साथ लिंक इसलिए करते हैं बिकॉज एवरी एक्टिविटी ऑफ The government can't run without finance. हर एक काम को करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ठीक है, इसी के लिए वो टैक्सेस लगाती है, रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती है, वेलफेयर के लिए लोगों को चीज़ें ज़्यादा महंगी ना लगें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, गवर्नमेंट के पास पैसा आए प्रॉफिट कमाना, फिस्कल पॉलिसीज डिज़ाइन करनी, मॉनेटरी पॉलिसी डिज़ाइन करनी, बजट प्रिपेयर करना, ये सब गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ रहती हैं। और इन सबको डील कौन करता है, इकोनॉमिक्स करते हैं। इसीलिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को पॉलिसीज डिज़ाइन करने के लिए या बनाने के लिए इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी मस्ट है।
ज़्यादातर ऑथर क्या मानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कभी पॉल साइंस के बिल्कुल क्लोज मानी जाती थी, अब ज़्यादातर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप किसके साथ है इसका, इकोनॉमिक के साथ है। गवर्नमेंट दो टाइप से काम करती है, रेगुलेटर एंड खुद प्रोवाइडर। रेगुलेटर में वो किसी सर्विस को प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन जो दूसरी सर्विसेज हैं सिर्फ उनको रेगुलेट करती है, इकोनॉमिक लाइफ को रेगुलेट करती है, पीपल की लॉस वगैरह बना के। एंड प्रोवाइडर मींस ये खुद एक बिजनेस की तरह, बिजनेसमैन की तरह काम करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। और दोनों ही चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए गवर्नमेंट को इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट की दो बिगेस्ट एरियाज, एक फिस्कल पॉलिसीज, एक मॉनेटरी पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पार्ट है, और एक हाईली स्पेशलाइज्ड एरिया है एडमिनिस्ट्रेशन का। उस एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए गवर्नमेंट को कंप्लीट इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। विदाउट इकोनॉमिक नॉलेज वो अच्छी फिस्कल पॉलिसी, अच्छी रेवेन्यू पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को डिज़ाइन नहीं कर सकते। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लिंक इकोनॉमिक्स के साथ है। करंट एग्जांपल में मैं बात करता हूँ, मेरे अपने व्यूज़ हैं। अभी पेंडेमिक COVID-19 चल रहा है, इसमें शटडाउन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक्स है वो इफ़ेक्ट हो चुकी है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, उनकी एम्प्लॉयमेंट छीन ली गई, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ जो वर्ल्ड के हैं वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंडिया में सभी पीपल्स को जो उनके रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं। लेकिन इंडिया में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स जो है वो बिल्कुल पुअर सेक्शंस को हुआ या फिर वुमेंस को हुआ, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर। तो हम ये पूछ सकते हैं कि इंडिया हर एक पीपल को, इसके सिटीजन को क्यों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि कैश नहीं दे पाई लॉकडाउन के ड्यूरिंग। एक मिनिमम अमाउंट, बेयर मिनिमम सैलरी मीन्स कुछ बेयर मिनिमम अमाउंट क्यों नहीं दे पाई कि वो अपना मंथली जो उसका नीड्स है उसको कवर अप कर सके, जबकि दुनिया की दूसरी कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने किया। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कंट्रीज़ की, फर्स्ट वन इज़ कनाडा। तो इस कंसेप्ट को हमने किस हिसाब से समझना है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से, कि गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती तो गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल बर्डन क्या रहता, क्या गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी है, अगर वो करे तो फिर वो कैसे करे डायरेक्ट ट्रांसफ़र, कितना करे, हाउ, कितनी बेसिक नीड्स हैं। तो ये सब कुछ इकोनॉमिक्स बताती है उनको, ठीक है। तो मींस अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है और इंडिया ने अगर ये कैश ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया, अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए तो उसको इसके पीछे की इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए, उसका इकोनॉमिक स्टेटस कंट्री का क्या है वो पता होनी चाहिए, उसकी डीलिंग्स क्या है वो पता होनी चाहिए। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद पॉल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इट्स रिलेशनशिप विद द history and other social sciences. So thanks for watching the video.